नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए कैनवास रिलेटेड वीडियो में। और आज जो बात करने वाले हैं वो है कैनवा क्रिएटर्स के लिए, खास करके कि अगर आप कोई भी एसवीजी वेक्टर फाइल जो है रिकलरेबल, जिसका कि कलर आप चेंज कर सकते हो, या फिर जो आपके यूजर्स होंगे वो जब भी आपके एलिमेंट चूज करें तो उसका कलर चेंज कर पाएँ अपने डिजाइन के हिसाब से, तो वैसे एलिमेंट को कैसे क्रिएट करना है और सबमिट करना है तो वो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला चीज़ जो है आपको ध्यान ये रखना है कि कैनवा में जब भी आप अपने एलिमेंट्स को क्रिएट करते हो कि कलर चेंज किया जाए उसके हिसाब से, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी एलिमेंट क्रिएट कर रहे हो उसमें मतलब किसी भी मायने में 5 कलर, मतलब 5 कलर से ज़्यादा आप यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप 5 कलर से ज़्यादा यूज करोगे तो कैनवा की तरफ से जो है ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि 5 ही कलर आपको यूज करना है। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, एक्स्ट्रा कलर यूज कर सकते हो, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि अगर 5 से 1 भी कलर आपने ज़्यादा यूज किया तो वो जो है नॉर्मल जो है एक वेक्टर फाइल और वेक्टर इमेज की फॉर्म में हो जाएगा, जिसका कि कलर यूजर चेंज नहीं कर सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 5 ही कलर तक लिमिटेशंस हैं जो आप रिकलरेबल अगर बनाना चाहते हो। तो फटाफट से हम यहाँ पे स्क्रीन की तरफ आपको लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं एक छोटा सा सैंपल लेकर के, जिसमें कि 5 कलर अगर मैं यूज करता हूँ और उसे सबमिट करता हूँ तो क्या हो पाता है, और 5 से ज़्यादा लेता हूँ तो क्या होता है। तो बेसिकली हम आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अब हम चूज कर लेते हैं कोई भी एक रैंडम सा शेप हम अपना ले लेते हैं, और चलो एक सर्कल का यूज करके ही हम कुछ बना लेते हैं। ये मैंने 2 सर्कल ले लिए और यहाँ से इन दोनों का इस्तेमाल करके और शेप बिल्डर टूल का इस्तेमाल करके एक बेसिक सा जो है शेप बना लूंगा मैं। तो अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि ये मैंने 2 बेसिक जो है शेप, एक सैंपल आपको समझाने के लिए मैं एक शेप बना रहा हूं और उससे मैं समझाऊंगा कि एक एलिमेंट में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये आप देख सकते हो कि एक छोटा सा जो है अभी एक एलिमेंट हो गया। अब इसका रोटेट टूल का इस्तेमाल करके हम इसे जो है ये मैंने शेप जो है क्रिएट कर लिया। अब यहां पे देखो कि अगर मैं 5 कलर इसे यूज करना है, ठीक है, तो आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ ये कर देता हूं कि चलो ये 5 ले लेता हूं, ये 3, ये 5 हो गया, ठीक है। और इसका एक और हम आपको देख लेते हैं कि क्योंकि इसका डिफरेंस जो हम आपको करके बताएंगे। देखो अब ये है, अब इसका जो है इसे हम एक्सपेंड अपियरेंस कर देंगे, क्योंकि अगर इसका मैं कलर चेंज करना चाहूँगा तो ये जब भी होगा तो ये पूरे का होगा। मैं इन सारे को जो है मतलब 5 कलर रखना चाहता हूँ तो एक्सपेंड जो है करना होगा, अनग्रुप कर दूंगा मैं इसे। और इसका सबका मैं जो है देखो आप सेपरेट मैं जो है डिफरेंट कलर्स यूज कर लूंगा। तो फटाफट से मैं इसका कलर जो है चेंज कर लेता हूँ, कोई भी रैंडम सा जो है अपना कलर मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रैंडम कोई भी एक शेप बनाया है और उसमें से मैंने 5 कलर यूज कर लिया है। अब आप देखो कि इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, और इसे मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। चलिए अब इसे मैंने एक्सपोर्ट कर लिया है, और अब आपको लेकर के चलते हैं कैनवा पे जो मैंने ओपन करके रखा है, और यहाँ पे मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। तो आप अभी देख सकते हो ये अपलोड हो रहा है, और अब देख सकते हो यहाँ पे ये जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया ये 5 कलर्स जो हैं आपको यहाँ टॉप पे जो है यहाँ
दिखाई दे रहे हैं डैशबोर्ड पे कि 5 कलर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है इसे मैं चेंज करने के काबिल हूँ और इसे चेंज कर सकता हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि आप बहुत सारे यहाँ पे प्रीसेट्स जो है अवेलेबल हैं। डिजाइन्स में जाइए, स्टाइल्स, और ये देखिए अलग अलग कलर के जो प्रीसेट्स हैं। आप देखो कि इसका कलर कैसे चेंज होता है। ये देखो कोई भी प्रीसेट्स जो है आपको मैं लिखा, देखो ये चेंज हो रहा है कलर। है ना, कलर चेंज हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि सेम एग्जांपल लेता हूं और 5 से ज्यादा कलर जो है मैं आपको चेंज करके दिखाता हूं, तो ये देखना कि आप नहीं होगा। वापस से हम आ गए और देखो कि इसका जो है एक बढ़ा देता हूं मैं संख्या, ये देखो 5 से ज्यादा हो गया, 3, 3, 6 हो गया। ठीक है, 5 से ज्यादा कितना भी होगा उसका जो है वही सेम चीज़ होने वाला है। अगर मैं इसका वापस से इसको एक्सपेंड कर दूं और सेम प्रोसेस रिपीट करता हूं और अनग्रुप, अब फटाफट से जो है इसका कलर हम फिर से यही रैंडम ले लेता हूं कोई सा भी। तो मैंने रैंडम कोई ले लिया है, 6 कलर इसमें मैं यूज कर रहा हूँ और इसे मैं एक्सपोर्ट करके अब दिखाता हूँ कि आप जो है यूज कर पाते हो, इसका कलर जो है चेंज कर पाते हो या नहीं। आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कलर आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाओगे। ये देखिए यहाँ पे इसमें मैंने 6 कलर यूज किया है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इसको जैसे सिलेक्ट किया है उसके बावजूद भी यहाँ पे जो अभी टॉप पे दिखाई दे रहा था कोई कलर जो है यहाँ पे 5 कलर का जो है चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप जो है किस तरीके से जो है कलरेबल जो है आप एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हो कैनवा में, अगर आप एक एलिमेंट क्रिएटर्स हो या फिर अपने पर्सनल यूज के लिए भी अगर करना चाहते हो इलस्ट्रेटर का यूज करके, तो आप कैसे कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। आई होप कि ये बहुत ज़्यादा वो डिफिकल्ट नहीं है, बस ऐसा है कि कई सारे क्रिएटर्स जो है मैं ग्रुप में देखता था कि वो ये सेम क्वेश्चन पूछते थे, तो मैं सोचा कि बिल्कुल फटाफट से शॉर्ट में इसका, इसके कई सारे बहुत पुराने वीडियोज हैं यूट्यूब पे लेकिन वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं और मैं ये सिंपलेस्ट वे जो है वो मैं बताया हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, और लगा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारा फिर से एक बार नए वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।